देखिए तुम्हारी यूनिट थर्ड तुम्हारी फिनिश हो चुकी है और थोड़े बहुत तुम्हारे जो टॉपिक रहे हैं यूनिट थर्ड में उनको बाद में देख लेंगे। एक आध दो टॉपिक जो शेष रहा होगा उनको बाद में देख लेंगे। क्लियर। आज अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक मैग्नेटिक की जो यूनिट फोर्थ है उसको चालू कर रहे हैं। क्लियर कि यूनिट फोर इसमें पहला टॉपिक डालिए मल्टीपोल एक्सपेंशन। पहला है मल्टीपोल एक्सपेंशन। मल्टीपोल एक्सपेंशन, मल्टीपोल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? मल्टीपोल का मतलब होता है अपने पास कई, एक्सप्रेशन माना होता है विस्तार, कि जो अपने पास चार्जेज हैं, क्या हैं चार्जेज हैं उनका किस प्रकार से विस्तार होता है। ये देखिए इसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब होता है बाहरी बिंदु, अतः बाह्य बिंदु। क्लियर कि बाह्य बिंदु का मतलब क्या करता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो उनका जो चार्ज होता है। सर्वप्रथम बात आती है कि मल्टीपोल एक्सपेंशन में जो अपने पास जो चार्ज होता है उसका रेगुलर क्या होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। क्लियर। क्या कहोगे कि मल्टीपोल एक्सपेंशन में कि जो अपने पास चार्जेज होते हैं उनका रेगुलरली क्या होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। तथा जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, क्या होता है, जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है वो क्या करता है कि जो चार्ज है उसको हॉल सिस्टम के द्वारा, किसके द्वारा, हॉल सिस्टम के द्वारा डिवाइड कर देता है। क्या कहोगे कि मल्टीपोल जो एक्सपेंशन होता है उनमें जो चार्ज होता है वो रेगुलर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। तथा जो एक्सटर्नल जो पॉइंट होता है उसके जो चार्जेज हैं, क्या हैं उसके जो चार्जेज हैं, उन सिस्टमों को वो क्या कर देता है, डिवाइडेड कर देता है। एक्सटर्नल क्या करता है कि देखिए आपने पहली पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, बाहरी बिंदु क्या होता है, अर्थात बाह्य बिंदु क्या होता है कि किसी भी बिंदु से दूसरी बिंदु तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है, सरल रेखा कहलाती है। लेकिन जो एक्सटर्नल जो पॉइंट होता है वो क्या करता है कि स्पर्श रेखा करते हुए वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक क्या करता है, स्पर्श करता है, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई स्पर्श रेखा। तथा जो बाह्य बिंदु होता है उनके मध्य जो कोण होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। किसमें, एक्सटर्नल पॉइंट में। कि एक्सटर्नल पॉइंट क्या करता है कि जो स्पर्श रेखा होता है उनके जो मध्य के जो कोण होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। क्लियर है सभी को? चले अब इसमें एक फिगर बना लीजिए, शहर में बना रहा हूं मैं। ये अपने पास बिंदु को एक P होता है, ये इनके मध्य कौन सा होता है, कौन, थीटा। ये अपने पास सदिश R। क्लियर। ये अपने पास X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस। क्लियर। इसके मध्य की दूरी A ले ली अपन ने, इसके मध्य की सदिश R ले ली अपन ने। क्लियर। और इनमें जो परिवर्तन होता है अपने पास, क्या होता है परिवर्तन होता है वो कितना होता है अपने पास, dv। कितना होता है, dv, यहाँ लिख देना dv। क्लियर। तो नीचे लिखिए, यहाँ पे यहाँ से चालू कर रहा हूँ मैं, लिखिए लेट द चार्ज, नीचे लिखिए लेट द चार्ज आर इन रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लोज सिस्टम। रेगुलर लिखना है इसमें, टू ऑब्टेन एनी एक्सटर्नल पॉइंट।
पॉइंट ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज होल सिस्टम इज ऑन सिस्टम इज होल सिस्टम इज डिवाइडेड डिवाइडेड टू। नीचे लिखिए इफ द वॉल्यूम एलिमेंट क्या लिया है, वॉल्यूम एलिमेंट डीवी, द वॉल्यूम एलिमेंट डीवी फ्रॉम एलिमेंट डीवी, इफ द डिस्टेंस ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट डीवी, तो नीचे लिखिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑन जेड एक्सिस। तो देखिए इसमें देखिए पी बिंदु कहाँ है, यहाँ पर, और ये क्या है, जेड एक्सिस है, तो इसकी जो अपने पास दूरी होगी वो कितनी होगी, आर बराबर कितनी होगी कितनी होगी, सदिश आर प्लस सदिश ए, सदिश आर प्लस सदिश ए। अब ए बराबर कितना आ जाएगा, सदिश आर माइनस सदिश आ। क्लियर कि भाई देखिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑन किस, कौन से एक्सिस पे है, कौन से अक्ष पे है, जेड पे, तो पी पॉइंट जेड एक्सिस पे है, तो इसकी जो जो दूरी होगी कुल टोटल जो आर बराबर होगी वो किस किस की दूरी बराबर होगी, इसकी दूरी प्लस इसकी दूरी, तो सदिश आर प्लस सदिश ए हो गया। अब यहां से जब मैं ए का मान निकालूंगा तो ए का मान कितना हो जाएगा, सदिश आर माइनस आ। क्लियर है सभी को यहां तक, चलिए तो नीचे लिखिए तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, आर स्क्वायर माइनस टू आर आर कॉस थीटा। क्यों भाई, ए स्क्वायर किया है तो ए स्क्वायर इसमें, तो इसपे भी वर्ग छनेगा नहीं, तो ए स्क्वायर बराबर ये क्या बन जाएगी, कैसी समीकरण बन जाएगी कि ए स्क्वायर बराबर सदिश आर माइनस सदिश आर का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। क्लियर, तो इसके ए स्क्वायर बराबर सदिश आर माइनस सदिश आर का कितना बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर, इसको मैंने खोल दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर आर कॉस थीटा। क्लियर सभी को यहां तक, चलिए तो नीचे लिखिए तो अपने पास 1 अपॉन ए बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर कॉस थीटा की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, कितनी हो जाएगी 1/2, इसमें से वर्ग घटेगा किसकी, कितनी घात छंट जाएगी 1/2, या इसको मैं अंडर रूट में भी लिख सकता था। क्लियर, तो अंडर रूट में नहीं लिखते, मैंने इसकी पावर कितनी छंटा दी 1/2, कितनी छंटा दी 1/2। क्लियर, तो नीचे लिखिए तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ए बराबर 1, इसमें से मैं आर बाहर ले लेता हूं तो आर, तो क्या बनेगा अपने पास, देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस कितना बनेगा, 2 आर आर कॉस थीटा अपॉन कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 2 आर आर कॉस थीटा अपॉन कैपिटल आर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। नोट डाउन करिए,
क्लियर है यहां तक, नोट डाउन कर लिया? चलिए तो देखिए अगला अपने पास जो आएगा, यहां कर रहा हूं मैं, इससे कंटिन्यू यहां पे कर रहा हूं, क्लियर। तो देखिए अपने पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ए बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर तो है ही अपने पास, 1 अपॉन आर, और अपने पास कितना आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 अपॉन आर कॉस थीटा। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, -1/2, क्योंकि मैं इसको कहां ले गया, ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर तो निकुल रहेगा ही, और इस पद को मैं कहां ले गया, ऊपर, और ये 1/2 किस में हो जाएगी, माइनस में, तो 1 अपॉन ए बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर -2 अपॉन आर कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। क्लियर सभी को यहां तक? चलिए तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन ए बराबर 1 अपॉन आर। अब इसमें से मैंने देखिए माइनस के 1/2 अपन अपन ने, देखिए इसमें से मैं क्या ले लूं कि 1 माइनस 1/2, और क्या बनेगा अपने पास, देखिए r² अपॉन r² -2r अपॉन r cos थीटा, cos थीटा बच गया, और प्लस में कितना हो गया, 3/8, और कितना हो जाएगा अपने पास, r² अपॉन r² -2r अपॉन r cos थीटा, और इसकी पावर -1/2, क्योंकि इसका मैंने क्या कर दिया है, विस्तार कर दिया है, क्या कर दिया है, विस्तार कर दिया है। जब इसका मैं विस्तार करूंगा तो 1 अपॉन ए बराबर 1 अपॉन आर -1/2, और इसका ये, क्लियर। वो पढ़ा होगा तुमने सिम्पसन का नियम, 1/3 नियम, उसी के आधार पर मैंने इसका क्या किया है, विस्तार किया। क्लियर सभी को? चलिए तो नीचे लिखिए, अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन ए बराबर 1 अपॉन आर माइनस कितना आ जाएगा, आर अपॉन कितना आ जाएगा अपने पास, यहां से ये आ जाएगा अपने पास 2r अपॉन r² cos थीटा, और प्लस कितना रह जाएगा, r² अपॉन r², और कितना बन जाएगा ये, 3 cos² थीटा -1 अपॉन कितना रह जाएगा, 2 प्लस डॉट डॉट। तो अपने पास देखिए कितना आ जाएगा, नीचे लिखिए नाउ यहां तक उतार लीजिए, फिर यहां से कंटिन्यू करेंगे, उतार लीजिए यहां तक। तो देखिए हम जानते हैं कि जो अपने पास 1/r होता है, r का मान कितना होता है अपने पास, 1/4πε0, कितना होता है r का मान, 1/4πε0 होता है, कि भाई तुमने पहले की पढ़ा होगा कि जो अपने पास r का जो मान होता है 1/4πε0 के क्या होता है, बराबर होता है। तो अपन इस r के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूं, 4πε0, तो कितना बन जाएगा अपने पास, 1/4πε0 कितना बन जाएगा, तो नाउ फाई बराबर तो फाइव बराबर कितना बन जाएगा, 1/4πε0 इंटीग्रेशन रो इंटू डीवी इंटू मंजला कोष्टक लगाइए, 1/r -2r/r² cos θ 2r/r² इंटू कॉस थीटा प्लस में कितना है अपने पास, प्लस r² अपॉन r³। अरे यहां पर कितना आएगा, ये r³ अपॉन r³, और कितना है अपने पास उसका मान, 3 cos² θ -1/2।
कितना है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर है सभी को? अब अपने पास कितना मान आ जाएगा इसका, फाई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसमें से मैं देखिए 1 अपॉन r को मैं क्या ले लेता हूं, भार। क्या ले लेता हूं, 1 अपॉन r को तो मैंने ले लिया भार, और इंटीग्रेशन में क्या रह गया, रो इंटू डीवी। क्या रह गया, रो इंटू डीवी, और अपने पास इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और अपने पास कितना रह जाएगा, देखिए इसमें से मैंने 1 अपॉन r बाहर निकाल लिया है, तो ये कितना बाहर रह गया अपने पास, r स्क्वायर। तो अपने पास कितना बनेगा, r अपॉन r स्क्वायर, कितना रह गया, r अपॉन r स्क्वायर रह गया इनटू इनटू dv इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इंटीग्रेशन रो इनटू dv, रो इनटू dv, और तीसरा पद क्या है अपने पास, r स्क्वायर अपॉन r क्यूब, r स्क्वायर अपॉन r क्यूब, और कितना है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन अपॉन 2। क्लियर है सभी को? क्यों? क्योंकि ये अपने खंड तोड़ लिया ना इसमें, कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r को यहां पर ले लिया, पहले इस पद के, इसका इस पद के साथ, फिर इस पद के साथ, भाई दोनों तो कॉमन है इसमें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रूट dv तो है ही, तो ये दोनों पद इन दोनों पदों के साथ क्या हो गया भाई, ये दोनों पद इन दोनों पदों के साथ क्या हो गया, सम्मिलित हो गया। तो ये दोनों, ये इन दोनों पदों को अपन ने इन दोनों पदों के साथ क्या कर दिया, अलग अलग तोड़ दिया। ठीक है, चलिए अपने पास देखिए क्या आएगा इसका मान, फाई बराबर, फाई बराबर कितना है ये, फाई बराबर देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ये अपने पास, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r, 1 अपॉन r, और इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, p0 के बराबर, किसके बराबर मान लिया, p0 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और कितना हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर कितना है cos थीटा, cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r क्यूब, 1 अपॉन r क्यूब, और इसको मैंने क्या मान लिया, p3, क्या मान लिया, p3। भाई इस पद को मैंने किसके बराबर मान लिया, p0 के बराबर, तो 1 अपॉन r तो है ही अपने पास, और इस पूरे पद को मैंने किसके बराबर मान लिया, p0 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें क्या है 1 अपॉन r स्क्वायर है तो cos थीटा, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस पूरे पद को मैंने क्या मान लिया, p3, क्या मान लिया, p3। भाई इसमें तीन पद आ गए ना, इसमें भी तीन पद बन रहे हैं, एक तो ये वाला पद और ये वाला पद, यही तो वाला पद बन रहा है अपने पास भाई, एक तो अपने पास ये वाला पद बन रहा है, फिर अपने पास रो डीवी, और फिर नीचे अपने पास क्या बनेगा, ये वाला पद जो है, ये वाला पद में माइनस में आएगा, ये वाला पद किस में आएगा, माइनस में। क्लियर, किस में आएगा, माइनस में, तो ये वाला पद किस में आ गया, माइनस में। क्लियर, अब इससे क्या आएगा, देखिए नीचे लिखिए, नाउ नीचे लिखिए, नाउ यूज, नाउ यूज कंसीडर, कंसीडर डिफरेंट, डिफरेंट, नाउ यूज कंसीडर डिफरेंट। तो पहला है इसमें, ये मिटा रहा हूं, इसमें पहला लिखिए, क्या इसमें देखिए जो अंतर होता है वो कितने कितने का होता है, नीचे लिखिए, लेट हाइट टर्म्स ऑफ, लेट हाई टर्म्स ऑफ
वन बाई टू, टर्म्स ऑफ वन बाई टू। तो नीचे लिखिए लेट हाई टर्म्स ऑफ वन बाई टू, तो अपने पास कितना आ जाएगा फाइव बराबर कितना है लेट वो हाई हाई वाला पी थ्री वाला पद है, तो अपने पास कितना आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रेशन, कितना आ जाएगा अपने पास वन अपॉन आर इन टू पी थ्री, वन अपॉन आर इन टू पी थ्री इन टू पी थ्री। नोट डाउन करिए यहां तक। दूसरी लिखिए इसमें कंडीशन है अपने पास इफ इफ पी जीरो बराबर जीरो पी वन बराबर जीरो इन दिस सिस्टम इन दिस सिस्टम पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज चार्ज सेम चार्ज सेम इन क्वांटिटी क्वांटिटी सो क्वांटिटी सो, इसलिए तो फाइव बराबर कितना आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर क्यू इंटू में कितना आ जाएगा पी टू पी टू। तीसरी लिखिए इसमें कंडीशन क्या होती है इफ इफ पी जीरो बराबर जीरो, नीचे लिखिए टोटल चार्ज इन द सिस्टम सिस्टम इज जीरो इज जीरो, तो नीचे लिखिए देन द पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पॉइंट पी कितना आ जाएगा फाइव बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू वन अपॉन आर इंटू पी वन इंटू पी वन। क्लियर है कि इसके जो अपान जो अपने पास डिफरेंट होता है, तो अपान ने पहला पॉइंट लिया है कि लेट हाई टर्म्स ऑफ, देखिए हाई टर्म्स कितनी है वन बाई टू है, तो वन बाई टू है तो फाइव बराबर इसके हिसाब से जो अपने पास जो हाई टर्म्स का जो वाला पद बचेगा वो कितना बचेगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो वन अपॉन आर इन टू पी थ्री। दूसरी कंडीशन है कि यदि पी जीरो बराबर जीरो है पी वन का मान भी जीरो है किस सिस्टम में पी सिस्टम में, तो जो अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे उनमें सेम क्या आएगी क्वांटिटी आएगी, तो जब अपन पॉजिटिव और नेगेटिव में लेंगे तो क्वांटिटी कितनी है जीरो, तो अपने पास फाइव बराबर कितना आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर थ्री इंटू पी टू। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कि यदि पी जीरो बराबर जीरो है तो टोटल चार्ज जो सिस्टम होगा वो कितना होगा जीरो, तो देन पोटेंशियल पॉइंट पोटेंशियल क्या होता है अपने पास जो अपने पास प्रेडिक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट क्या होता है पी, तो फाइव बराबर वन अपॉन फोर पाई सर वन अपॉन आर इंटू पी वन। इसमें तो क्या है आर क्यू, इसमें क्या है आर, इसमें भी क्या है अपने पास पी थ्री की फॉर्म में, इसमें पी टू की फॉर्म में और ये पी वन की फॉर्म। क्लियर सभी को? चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
पानी भी कहते हैं। देखिए इससे आगे कंटिन्यू करते हैं तो नीचे लिखिए, नीचे लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ डायपोल, ऑफ डायपोल मोमेंटम, डायपोल मोमेंटम डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजिशन। तो अपने पास जेड डिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, जेड प्लस जेड डैश। तो अपने पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन रो कितना आ जाएगा जेड प्लस जेड डैश इंटू डी वी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन रो जेड डी वी प्लस इंटीग्रेशन और दूसरा क्या है जेड डैश है तो रो जेड डैश इंटू डी वी। तो अपने पास कितना आ जाएगा बराबर रो जेड डी वी इंटीग्रेशन में प्लस जेड डैश और कितना आ गया रो डी वी। तो इसे अपने पास इंटीग्रेशन रो जेड प्लस जेड डैश इंटू डी वी बराबर कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन रो जेड डी वी प्लस और ये रो डी वी किसके बराबर होता है अपने पास जीरो के बराबर प्लस जीरो। यहां चूंकि लिख देना, चूंकि रो डी वी बराबर क्या होता है जीरो, चूंकि रो डी वी बराबर क्या होता है जीरो। तो अपने पास इंटीग्रेशन रो जेड कितना आ जाएगा रो जेड प्लस जेड डैश इंटू डी वी बराबर इंटीग्रेशन रो जेड डी वी चौखाने में बंद कर देना रो डी। क्लियर कि जो अपने पास मल्टीपोल एक्सपेंशन होता है, जो विस्तारक होता है, वो क्या करता है कि जो अपने पास चार्जेज होते हैं, क्या होते हैं चार्जेज होते हैं, उनका जो अपने पास कंटिन्यू क्या होता है, उनका रेगुलर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होने के पश्चात जो एक्सनल पॉइंट होता है, एक्सनल पॉइंट क्या होता है कि जो भी अपने पास स्पर्श रेखा होती है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो स्पर्श रेखा होती है उस पर कितने डिग्री का कोण होता है जीरो डिग्री का कोण, किस पर बाह्य बिंदु अर्थात एक्सनल पॉइंट पर। क्लियर, उसके लिए अपन ने दूरियों का मान निकाल लिया आर बराबर। क्लियर, उसके लिए जो अपने पास लास्ट इक्वेशन आई थी वो नोट डाउन कर ली। नोट डाउन करने के पश्चात जो अपने पास कंडीशन होती है, एक तो P3 की फॉर्म है, एक P2 की फॉर्म है और एक P1 की फॉर्म है, तीनों के मान निकालिए। तीनों के मान निकालने के पश्चात जो अपने पास डायपोल मोमेंटम होता है वो किस पर डिपेंड करता है पोजिशन पर, किस पर करता है पोजिशन अर्थात स्थिति पर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि जो पोजिशन होती है जेड कितनी होती है जेड प्लस जेड डैश, दोनों की रो की फॉर्म अपन ने इसका क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के पश्चात अपन ने एक पक्ष को हल कर लिया, हम जानते हैं कि रो डीवी बराबर क्या होता है जीरो। तो इसलिए जो अपने पास आएगा इंटीग्रेशन रो जेड प्लस जेड इंटू डीवी बराबर रो जेड इंटू डीवी। डीवी क्यों लिया है, क्योंकि उसका जो अपने पास आयतन था वो अपन ने कितनी ली थी डीवी, क्या लिया था डीवी। तो अपने पास जो मल्टीपोल मोमेंटम में जो अपने पास मैग्नीट्यूड जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो